Hello students, how are you? I hope all are doing well. Okay, students. Now it's your SST class. And today we will read class 6, geography portion, motion of the earth, chapter 3rd. Okay, students. Today we will read Class Six Geography Chapter Third, and the Chapter Third is Motions of the Earth. All right, and student, it's a video one of Third Chapter. Getting so let's to let's start, students. मोशन ऑफ द अर्थ मोशन मोशन मीन्स अ स्टूडेंट्स गति ओके मूमेंट और अ वे ऑफ मूविंग ऑल राइट मोशन मीन्स मोमेंट और अ वे ऑफ मूविंग गति या गति करने के प्रकार इट इज कॉल्ड मोशंस ओके ऑफ द अर्थ पृथ्वी की पृथ्वी की गतियाँ ऑर राइट सो लेट्स डू Alright first we will uh, read let's do chaliye karke dekhte hain okay take a ball to represent the earth and a lighted candle to represent the sun mark a point on the ball to represent a town x full stop place the ball in such a way that the town x is in darkness now rotate the ball from left to right as you move the ball slightly the town will have its sunrise as the ball continues to move the point x gradually gets away from the sun this is sunset very nice activity about the sunset okay सो लेट्स डू स्टूडेंट इसमें क्या करना है टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ हमें एक बॉल लेनी है एक गेंद लेनी है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी अर्थ को दर्शाएगी एंड लाइटेड कैंडल टू रिप्रजेंट द सन और लाइटेड कैंडल मीन्स की एक जलती हुई मोमबत्ती भी लेंगे जो कि हमें सन को बताएगी ओके सन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइटेड कैंडल लेनी है और एक गेंद लेनी है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ना मार्क

फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब हमें उस गेंद को बाएं से दाएं की ओर घुमाना है एज यू मूव द बॉल स्लाइटली जैसे ही आप बॉल को थोड़ा स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा घुमाते हैं द टाउन विल हैव इट्स सनराइज तो जो नगर है वहाँ पर बॉल घुमाते ही सूर्योदय हो जाएगा मीन्स गेंद में लाइट आने लगेगी एज द बॉल continues टू मूव और जैसे जैसे बॉल निरंतर घूमती रहती है देन द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन और धीरे धीरे एक्स बिंदु जो है वो से दूर चला जाता है एंड दिस इज सनसेट तो यही क्या है सनसेट है यानी सूर्यास्त है सो इट इज अ वेरी नाइस एक्टिविटी एंड अ वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल स्टूडेंट्स सो We will read from here as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Very important students, here you I will clear about rotation and revolution. What is revolution and what is rotation? At first, students, I will clear the word rotation and revolution. First rotation, rotation kya hodai, student. Rotation means guran. Okay, good और यू कैन से रोटेशन घूमना कैसे घूमना मूवमेंट इन सर्कल्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट ओके और यू कैन से मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इन 24 कॉल्ड रोटेशन इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रोटेशन रोटेशन किसे कहा जाता है मोशन ऑफ द अर्थ ओके पृथ्वी की जो गति होती है ऑन इट्स एक्सिस अपने अक्ष पर जो गति करती है 24 फोर आवर्स चौबीस घंटे में ओके, okay? तो पृथ्वी की गति जो अपने में 24 घंटे पर घूमती रहती है जो गति करती है, है? है. वो क्या कहलाता है? या रोटेशन कहलाता या अर्थ ऑन इट्स एग्जिस्ट इन ट्वेंटी फोर आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन धूरी पर वृत्ता कर आवर्तन आप कह सकते हैं okay? ओके या घूर्णन इन सिंपल वर्ड और राइट घूडन एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन स्टूडेंट रिवॉल्यूशन मींस होता है परिक्रमण रिवॉल्यूशन मींस परिक्रमण अब परिक्रमण क्या होता है अ मूवमेंट अराउंड समथिंग्स और वन कंप्लीट टर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट ओके मीन्स कि रिवॉल्यूशन तो क्या रोटेशन तो क्या है अर्थ पृथ्वी की जो मूवमेंट uh, है जो मोशन है अपने एग्जिस में 24 फोर आवर्स के लिए वह घूर्णन कहलाता है और रिवॉल्यूशन क्या कहलाता है मोशन ऑफ द अराउंड अर्थ अराउंड द सन इज थ्री सिक्सटी फाइव वन अपॉन फोर डेज परिक्रमण करता है वो ठीक है किसी वस्तु के चारों ओर का चक्कर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन एंड मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट इज कॉल्ड अ रोटेशन नाउ क्लियर स्टूडेंट्स रोटेशन इज घूर्णन एंड रिवॉल्यूशन इज परिक्रमण ओके सो वी विल रीड फ्रॉम हेअर एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है एक रोटेशन होती है और दूसरे रिवॉल्यूशन होती है रोटेशन मीन्स घूर्णन एंड रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण रोटेशन इज द मोवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एग्जिस्ट जैसे अभी आपको मैंने बताया कि घूर्णन क्या है पृथ्वी की गति है अपने अक्ष के चारों ओर वह घूर्णन कहलाता है एंड द मोमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन और पृथ्वी की गति जब सूर्य के चारों ओर होती है इन अ फिक्स्ड पाथ एक निश्चित पथ पर एक निश्चित कक्षा पर और ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन वह क्या कहलाता है परिक्रमण कहलाता है ओके यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना अपने एक्सिस पर पृथ्वी का घूमना रोटेशन कहलाता है घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहा जाता है ओके स्टूडेंट्स अगेन आई विल टेल यू रोटेशन क्या है रोटेशन होता है घूर्णन यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है मीन्स कि सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर घूमना रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहलाता है क्लियर स्टूडेंट्स सो रोटेशन इज घूर्णन एंड रिवॉल्यूशन इज परिक्रमण गेटिंग ओके एग्जिस ऑफ द अर्थ विच इज एन एमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्स टू डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन राइट तो जो स्टूडेंट एग्जिस है यानी कि जो अक्ष है पृथ्वी का जो अक्ष है इमेजनरी लाइन होता है इमेजनरी लाइन मीन्स होता है काल्पनिक रेखा ओके okay? तो पृथ्वी का अक्ष हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर पर कि जो पृथ्वी का अक्ष होता है वह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके मेक्स एन एंगल ऑफ 66 सिक्स वन अपॉइंट टू डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन ऑर्बिटल प्लेन मीन्स ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिटल कक्षी प्लेन मीन्स समतल ओके तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षी सतह से छियासठ वन अपंट टू डिग्री का कोण बनाती है ऑलराइट, राइट द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन ऑर्बिटल प्लेन किसे कहा जाता है द प्लेन वह समतल ओके okay, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहा जाता है ओके okay? द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ये तो आप सभी को मालूम है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश लेती है ऑल राइट पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम फिगर थ्री पॉइंट टू ओके हेयर यू कैन सी स्टूडेंट्स फिगर थ्री पॉइंट टू जैसा कि हमें मालूम है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है जो साइज है वो कैसा है स्पैरिकल शेप है यानी कि गोलाकार आकृति है पृथ्वी की इसलिए उसे सूर्य से आधी ही आधा टाइम ही सूर्य से उसे आधे भाग में ही उसको प्रकाश प्राप्त होता है एक समय पर ओके जैसे कि आप थ्री पॉइंट टू फिगर में देखते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या है स्पैरिकल है गोले के समान है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस इज डे हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट ओके और जो सूर्य की ओर वाला भाग होता है वो दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां क्या होती है रात होती है द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ ओके अब वह सर्किल ग्लोब पर वह व्रत ओके okay? जैसे कि हमने आप आपको ग्लोब बताया था सेकंड चैप्टर में तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है डिवाइड करता है वह सर्कल ऑफ इलोमिनेशन कहलाता है इलोमिनेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स लाइट इलोमिनेट मीन्स क्या होता है लाइट इलोमिनेशन मीन्स लाइट और द प्लेस वेयर अ लाइट कम्स फ्रॉम यानी प्रकाश का स्रोत या प्रकाश होता है इलोमिनेशन उसे हम कह सकते हैं हिंदी में प्रदीप्ति ओके okay? तो वह सर्कल वह व्रत जो दिन तथा रात को ग्लोब में विभाजित करता है उसे सर्किल ऑफ एलुमिनेशन यानी प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है ओके, सर्किल नॉट कॉइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर थ्री पॉइंट टू दिस सर्किल और जो यह व्रत है डज नॉट कॉइंसाइड अक्ष से नहीं मिलता कॉइंसाइड मीन्स अक्ष से नहीं मिलना वो क्या कहलाता है कॉइनसाइड जो अपने ऐसा व्रत जो अक्ष से नहीं मिलता उसे कॉइनसाइड कहते हैं तो यह जो व्रत है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता जैसा आप, जैसा कि कि आप आप एज यू से इन द फिगर फिगर में देख सकते हैं कि यह एक्सिस से कभी भी नहीं मिलता है एंड द अर्थ टेक्स अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस दिस पी दीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ अब जो पृथ्वी है ट्वेंटी फोर आवर्स लेती है ओके एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे और जो यह चौबीस घंटे का समय लेती है यानी कि घूर्न का जो समय काल है वह अर्थ डे पृथ्वी दिन कहा जाता है एंड दिस डेली मोशन ऑफ द अर्थ और यह क्या है यह जो गति है डेली पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है अर्थ ड्यू टू रोटेशन कैसे घूर्णन के कारण यह देख सकते हैं आप सन दिखाई दे रहा है सन के जो सामने वाला भाग है हमारी पृथ्वी का हमारी पृथ्वी गोलाकार है तो पूरा भाग तो सन के सामने नहीं होता जो इसका आधा भाग सन के सामने होता है यहां पर डे होता है और जो पीछे का भाग है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो वो क्या होती है नाइट होती है और धीरे धीरे जब पृथ्वी रोटेट करती है तो जो डार्क वाला भाग है फिर ये सन के फ्रंट में आ जाता है तो यहां पर डे हो जाता है और जो ये डे वाला भाग है यहाँ पर नाइट हो जाती है ओके तो ये सब किसके कारण होता है रोटेशन के, के कारण होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है

बैंड ओके okay? इसको बैंड जो करता है वो क्या कहलाता है इंक्लिनेशन कहलाता तो है। कैसे पृथ्वी बैंड कर रही है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ओके okay? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा ऑर्बिटल प्लेन कक्षीय समतल गेटिंग अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कैसे देखिए पृथ्वी का झुकाव हो रहा है तो ये कहाँ पर हो रहा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देखिए नॉर्थ पोल की ओर ये टिल्टेड हो रहा है झुक रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी का जो कक्षीय समतल हमें दिखाई दे रहा है एंड हेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा इक्वेटर विशुवत एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 23 upon two degree और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर 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 लंब होता होता है 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 ठीक जैसे हम पर देख, देख सकते हैं इसका जो आकार वर्टिकल लाइन फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटल प्लेन ऑल राइट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स वट वुड हैपन इफ द अर्थ इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट क्या होगा ओके वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होगा यदि पृथ्वी घुणन नहीं करेगी पृथ्वी रोटेट अगर अपने अक्ष पर नहीं होगी अगर पृथ्वी घुणन नहीं करे तो सोचिए क्या होगा द अपोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुट ऑलवेज एक्सपीरियंस डे तो सिंपल है जब पृथ्वी घुणन नहीं करेगी तो पृथ्वी के जो सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर हमेशा क्या होगा दिन होगा द पोर्शन ऑफ द अर्थ यानी सूर्य की तरफ वाला पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा पोर्शन ऑफ द डे अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे ओके दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीज़न और ऑब्वियसली अगर दिन भर वहाँ पर दिन होगा तो टेम्परेचर वहाँ का बढ़ता चला जाएगा तो इसकी वजह से उस क्षेत्र में हमेशा क्या रहेगी गर्मी लगातार पड़ती रहेगी एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस और जो दूसरा भाग होगा अपोजिट साइड का जो भाग होगा वहाँ पर अंधेरा रहेगा एंड वी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम और हमेशा वहाँ पर ठंड पड़ेगी ओके लाइफ वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन और इस तरह की अवस्था में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी मीन्स की जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर नहीं होंगी ओके द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अब जो पृथ्वी की दूसरी गति हमने पढ़ी थी रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे ओके okay? तो जो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट्स इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन पृथ्वी की जो दूसरी गति है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने अपने एक निश्चित पथ पर निश्चित कक्षा पर वह चक्कर लगाती है उस गति को परिक्रमण कहा जाता है यानी पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है इट टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव वन अपॉइंट फोर डेज वन ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन और यह पृथ्वी एक वर्ष या तीन सौ पैंसठ वन अपॉन फोर दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है ओके एंड वी consider a एज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओनली एंड इग्नोर सिक्स आर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ओके तो अब देखिए थ्री सिक्सटी फाइव वन अपॉन फोर डेज लगा रही है पृथ्वी पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में ओके okay? तो हम लोग एक वर्ष को तीन सौ पैंसठ दिन का मानते हैं तथा जो वन अपॉन फोर चौबीस घंटे का वन अपॉन फोर कितना हो गया छः घंटा छः चक्को चौबीस सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर तो सुविधा के लिए हम छः घंटे इसमें नहीं जोड़ते और हम छह घंटे एक साल में जोड़ते हैं फिर दूसरे साल में छह जोड़ते हैं तीसरे साल में छह जोड़ते हैं इसीलिए जो चौथा साल होता है वो सिक्स प्लस सिक्स 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 करके ट्वेंटी फोर आवर्स बन जाता है इसीलिए उस समय उस साल में तीन सौ पैंसठ के बदले तीन सौ छियासठ दिन होते हैं ओके तो इसीलिए वो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स करके इसीलिए फेबर जो होती है ट्वेंटी नाइन उसको माना जाता है और ये हमेशा चौथे वर्ष में आती है ओके So next is two days. क्या आप जानते हैं डू यू नो क्या आप जानते हैं ओके okay, अब आपको क्या है? आपको मालूम है अब हम पढ़ेंगे द एनसियट इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैड स्टार्टेड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एग्जिस ओके तो जो एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे जिनका नाम क्या था स्टूडेंट आर्यभट्ट था उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी क्या है गोल है ओके okay, और अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर घूमती रहती है यानी रोटेशन करती रहती है ये किसने बताया था हमारे प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री जिनका नाम आर्य था उन्होंने हमें ये बताया था ओके okay, अब हम यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं स्टूडेंट्स दिस इज़ द फिगर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ़ द अर्थ एंड सीजन कैसे पृथ्वी का पर पृथ्वी परिक्रमण करती है और उस पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कैसे ऋतुएँ भी क्या होती हैं बदलती है यानी पृथ्वी का परिक्रमण एवं है, ओके तो अब आप देखिए पृथ्वी सन के चारों ओर कैसे तीन दिन में तीन सौ पैंसठ फोर डेज में पूरा एक रोटेशन ले सकती है पूरा एक चक्कर लगाती है ठीक है तो इस चक्कर को लगाते लगाते एक साल हो जाता है और एक साल में कई ऋतुएं आती हैं जैसे कि आपको मालूम है ऑटम विंटर समर ओके तो ये सारी जो ऋतुएं आ रही हैं ओके okay, तो वो कैसे आ रही हैं रिवॉल्यूशन की वजह से आ रही है तो जैसे हम पढ़ सकते हैं सन ओके okay, जैसे ही ये चक्कर लगाती है तो सबसे पहले कैसे इसका राउंड हुआ देखिए सबसे पहले कौन सी ऋतु आई यहाँ पे हम शीत ऋतु से स्टार्ट करते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीस में ऋतु होती है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में एंड समर सोलिस्टिक यानी उत्तर अयनांत जो कि 21 जून में इस टाइम पे रहता है विंटर इन द सदर्न हेमिसफेयर और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर शीत ऋतु रहती है और फिर जैसे ये रोट रिवोल्यूशन होता है फिर यहाँ पर ऑटम सीजन आता है और इक्वीस ऑक्स में विशुवत में 23 सितंबर में यहां पर बसंत ऋतु आती है ओके एंड देन विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्पीयर उत्तरी गोलार्ध में सीत ऋतु यहाँ पर होती है देन विंटर सॉलिस्टिक यानी दक्षिण अयान्त ओके ट्वेंटी टू दिसंबर में यहाँ पर अर्थ में रोटेट करके पहुँचती है समर इन द साउर्न हेमिस्पेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीस में ऋतु ओके एंड देन स्प्रिंग एक्विनॉक्स ट्वेंटी वन मार्च ओके बसंत ऋतु विशुअ ट्वेंटी वन मार्च ऑटम शरद ऋतु यहाँ पर होती है और यहाँ पर पृथ्वी जो रहती है देखो ऊपर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एंड हियर साउथ पोल एंड पी नॉर्थ पोल एंड एसपी साउथ पोल ठीक है तो ऐसे क्या होता है पृथ्वी का रिवॉल्यूशन होता है और ऐसे ही सीजन क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं ऑलराइट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स सिक्स आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स ऑलराइट तो चार वर्षों में एवरी सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे और अ स्पैन ऑफ फोर ईयर्स चार वर्षों okay? स्पैन में समय ओके चार वर्षों के समय में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए छः घंटे मिलकर एक दिन यानी चौबीस घंटे के बराबर हो जाते हैं अभी आपको ऊपर बताया था हमने दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्ररी तो ये जो ये ज़्यादा दिन हो गया है जो सिक्स आर सिक्स आर सिक्स आर सिक्स आर करके जो वन डे बन गया है तो ये जो वन डे है ये फेबररी के मंथ में ऐड किया जाता है जोड़ा जाता है इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है ओके तो इस प्रकार क्या होता है दस एवरी फोर्थ ईयर इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष में फेबररी इज ट्वेंट ऑफ ट्वेंटी नाइन डेज इन स्टीड ऑफ ट्वेंटी एट डेज ठीक है आप सभी को मालूम है हर चौथे साल में फेबररी में क्या होता है ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं ट्वेंटी एट डेज के बदले में सच

होगा ठीक है तो स्टूडेंट योर वर्क आप कैसे पता लगाएंगे अभी कौन सा साल चल रहा है, इससे पहले कब ईयर आया था ओके okay? तो आप इसे अपने कैलकुलेट करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर थ्री पॉइंट थ्री इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ओके इलेप्टिकल ऑर्बिट इलेप्टिकल ऑर्बिट मीन स्टूडेंट दीर्घ से आपने अभी देखा था फिगर 3.3 तो फिगर 3.3 से इट इज क्लियर यह स्पष्ट है कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है दीर्घ वृत्ताकार देखो ये सर्कल पर नहीं है बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मीन्स में मीन्स में, की जो वृत्त है वो लंबाई में दीर्घाकार शेप में तो पृथ्वी दीर्घ वृत्ता आकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है in तो नोटिस में एक ही दिशा में झुकी हुई है आप देख सकते हैं डायग्राम में स्पीकर में कि पृथ्वी क्या है पूरे उसमें एक ही दिशा में झुकी हुई ऐसा नहीं कि यहां पर इधर को झुकी है तो यहां पर इधर को या यहां को इधर को सबका डायरेक्शन कहा को है इधर को है ओके सो एयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन इस प्रकार से जो सीजन होती जो ऋतुएं होती हैं एक वर्ष को गर्मी समर गर्मी विंटर शीत या सर्दी स्प्रिंग वसंत एंड ऑटम शरद ऋतुओं में बांटता है ओके एंड सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अब ये आपको अभी बताया था हमने कि जो ऋतुएं बदल हैं, वो कैसे बदलती है पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण जब वे सूर्य का चक्कर लगा रही होती है स्थिति के कारण ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है तो कैसे होता है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन यहाँ से यहाँ स्थिति चेंज हुई देन यहाँ हुई देन यहाँ हुई ओके तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स डू चलिए करके देखते हैं डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स क्या आप जानते हैं कि जो इलिप्स होता है जो दीर्घ व्रत होता है ये क्या होता है कैसे बनता है अब हम देखेंगे दीर्घ व्रत कैसे बनता है हम इस एक्टिविटी को देखेंगे कि दीर्घ व्रत कैसे बनता है ओके टेक अ पेंसिल अब आपको एक पेंसिल लेनी है टू पिन्स दो पीने लेनी है एंड अ लूप ऑफ अ थ्रेड और एक धागे का लूप मीन्स छल्ला लेना है ओके नाउ फिक्स दीज पिंस ऑन अ पेपर एट सोन इन फिगर अब आप इस फिगर को देख सकते हैं अब आपको वे जो दो पिन हैं, उन पिनों को कागज पर स्थिर कर देना फिक्स करना है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है पुट द लूप ऑन द पेपर इनक्लोजिंग दीज टू पिन इन द लूप अब आपको जो छल्ला है धागे का उसको पेपर में क्या करना है अब दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखना है ओके दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कहा पर रखना है कागज में रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है अब पेंसिल से धागे को ओके ऑन द पेपर टू इन द लूप नाउ होल्ड द पेंसिल अब आप पेंसिल पकड़िए एंड ड्रॉ द लाइन कीपिंग द थ्रेड टाइट अब इस पेंसिल को पकड़कर धागे को कस कर खींचते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाना है ओके एंड मूविंग द पेंसिल अलोंग इट द फिगर रिप्रेजेंट इन लाइक इलेप्स अब आप भी इलेप्स बनाने की दीर्घ वृद्ध बनाने कोशिश करेंगे घर पे किसकी हेल्प से टू पिन पेंसिल एंड थ्रेड्स ओके लूप ऑफ थ्रेड्स यानी कि धागे के छल्ले से आप कोशिश करेंगे एक बार मैं फिर बताऊंगी कैसे बनेंगे आप एक पेंसिल दो पिन और एक धागे का छल्ला लीजिए अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें एक स्थिर हमने यहाँ पर कर दी पिन एक यहाँ पर कर दी है ओके अब धागे के छल्ले को कागज पर रखेंगे और अब पेंसिल से धागे को कसकर खींचते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाएंगे ठीक है तो अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह क्या होगी इलेप्स होगी ओके द फिगर रिप्रेजेंट एंड एलिप्स ऑल ओके ना लुक एट द फिगर थ्री पॉइंट थ्री अब आपको फिगर थ्री पॉइंट थ्री देखना है स्टूडेंट्स हेयर फिगर थ्री पॉइंट थ्री आपने पहले भी देखा था इस फिगर को ध्यान से देखिए और नोटिस करिए यू विल सी दैट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून द नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज टिलटेड टूवर्ड्स द सन आप देखेंगे कि ट्वेंटी फर्स्ट जून को आपने देखा था ना फिगर में कि ट्वेंटी फर्स्ट जून को जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर जो उत्तरी गोलार्थ था सूर्य की तरफ झुका हुआ

उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हीट प्राप्त होगी प्राप्त होगी द एरियाज नियर द पोल लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आजिंग और जो पोल का एरिया है यानी ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र है वह लेस हीट प्राप्त करेगा कम ऊष्मा प्राप्त करेगा क्योंकि सूर्य की जो किरणें वहां पर पड़ेंगी वे तिरछी पड़ेंगी ओके एंड द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस

इसीलिए वहां पर क्या होता है सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिसफियर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ओके तो क्या होता है वहां पर छः महीने तक क्या होता है लगातार दिन रहता है अब चूंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फियर है उत्तरी गोलार्ध है उसके बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है इसीलिए जो वहां पर विषुवत होता है जो इक्वेटर होता है विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम

ठीक है तो क्या होता है इसको क्या कहा जाता है जब ये सारी परिस्थितियाँ उल्टी होती इट इज़ विंटर सीजन तो वहाँ पर समर सीजन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है विंटर सीजन होता है ओके okay? uh, कौन सा भाग हो कौन सा होता है यहाँ पर समर विंटर सीजन यानी सर्दी की ऋतु आ जाती है the, और सर्दी की ऋतुओं में आपको मालूम है क्या होता है द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज जो रात होती है वो दिन से बड़ी होती है दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ और जो सूर्य की ये पोजीशन होती है स्थिति होती है वो क्या कहलाती है पृथ्वी की जो ये स्थिति होती है सॉरी दिस्पो, डिस्पोजिशन ऑफ द अर्थ और जो पृथ्वी की ये स्थिति होती है इस समर समरसोलिस्टिक उसे क्या कहा जाता है समरसोलिस्टिक कहा जाता है ओके okay? समर सॉलिस्टिक मीन्स उत्तर अयनांत कहा जाता है कौन सी स्थिति को 21 जून को जब क्षेत्रों में लंबा दिन और छोटी रात होती है उसे क्या कहा जाता है उत्तर अयनांत यानी समर सॉलिस्टिक कहा जाता है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन रिसव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्स टुवॉर्ड्स इट ऑन ट्वेंटी सेकेंड यानी ट्वेंटी दिसंबर को ठीक है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा क्या? होती है दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं ओके और वहां पर जब जहां पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबावत पड़ती हैं तो जो दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या हो जाता है प्रकाश प्राप्त होता है ओके लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट देयर समर इन द सदर्निस्फेर इसलिए जो समर सदर्निस्फेर होता है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है लंबे दिन तथा छोटी रात वाली गर्मिया एंड इसी के विपरीत इन द नॉर्दन और जैसा सदर्निस्पियर में हो रहा है इसी का उल्टा इसी के विपरीत क्या होता है नॉर्दनियर में होता है में इसका उल्टा होता है जाता वहाँ पर द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉलिस्टिक तो वहाँ पर जो आ, अर्थ की जो पोजिशन होती है सूर्य की जो स्थिति होती है उसे विंटर सॉलिस्टिक यानी कि विंटर सॉलिस्टिक हम कहते हैं दक्षिण अयनांत को ठीक है तो वहाँ पर पृथ्वी की जो स्थिति होती है इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा, कहा जाता है या विंटर सॉलिस्टिक कहा जाता है डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी की रितु में समर सीजन में मनाया जाता है जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे भारत में और हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं ट्वेंटी फाइव ऑफ दिसंबर यानी कि विंटर सीजन में मनाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है समर सीजन में मनाया जाता है ओके ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड सेप्टेंबर ट्वेंटी थर्ड डायरेक्ट रेज ऑफ द सनफॉल ऑन द इक्वेटर ओके 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं डायरेक्ट रेज ऑफ द सनफॉल सूर्य की जो किरणें होती हैं वह सीधे इक्वेटर पर यानी विशुवत पर पड़ती हैं एट दिस पोजिशन ओके एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टेड टूवॉर्ड्स द सन उस स्थिति में कोई भी जो ध्रुव होता है नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है ओके सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट इसलिए पूरी पृथ्वी में रात और दिन बराबर होते हैं दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स इसे विशुवत कहा जाता है या इक्विनॉक्स कहा जाता है ऑन ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री सेप्टेंबर को इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर ओके तो तेईस सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिसफेयर उत्तरी गोलार्ध में ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु होती है एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिसफेयर और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है स्प्रिंग सीजन होती है द अपोजिट इन द इज़ द केस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ओके और इस स्थिति में 21 मार्च को इसके विपरीत इसकी स्थितियाँ होती हैं अब विपरीत स्थिति क्या होती है वेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन होता है ठीक है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है स्प्रिंग सीजन होता है शरद ऋतु होती है एंड ऑटम इन सदर्न हेमिस्पेयर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है ऑटम होता है यानी शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु होती है ओके okay? इसका अपोजिट हो रहा है ना अपोजिट इज द केस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च और ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को वहां पर क्या होता है इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थन हैमिस्पियर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ठीक है इक्कीस मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है दस यू फाइंड आर डेज एंड nights एंड चेंजेस इन द seasons बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली इस प्रकार से That is, uh, इस प्रकार से दे आर आर डेज एंड नाइट आर चेंजेस इन दीजन इस प्रकार से यह yes, स्पष्ट है कि जो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण okay दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्यों होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली इस प्रकार यह क्लियर है या स्पष्ट है कि पृथ्वी के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है दिन और रात और ऋतुओं में दिन और रात किससे होता है रोटेशन से होता है ऋतुओं में परिवर्तन किससे होता है पृथ्वी के रिवॉल्यूशन से होता है परिक्रमण से होता है ओके नाउ हियर स्टूडेंट्स व्हाट एक्टिविटी व्हाट दिस इज एक्टिविटी वी हैव टू डू लेट्स डू चलिए कुछ करके सीखते हैं ओके दिस इज द एक्टिविटी ऑलराइट टू अंडरस्टैंड द अर्थ इन्ख्लेनेशन इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ अ बिग इलिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक अ फ्लैग विथ अ स्टेक अब आपको क्या करना है एक ही दिशा में इन्फ्लेनेशन मीन्स बैंड झुकाव एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए हम एक मैदान पर ग्राउंड में एक बहुत बड़ा दीर्घ व्रत यहाँ पर बनाया ना दीर्घ व्रत एक दीर्घ व्रत बनाएंगे तथा एक स्टेक में एक छड़ी में हम क्या करेंगे एक झंडा लगा लेंगे एक फ्लैग लगा लेंगे नाउ स्टैंड एनी ऑन द लाइन ऑफ द इलिप्स अब हम दीर्घ वाली रेखा पर कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे पॉइंट यूर फ्लैग ओके पॉइंट यूर फ्लैग

उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घ व्रत पर चलेंगे ओके okay? उसी स्थिर बिंदु पर रखकर हम दीर्घ व्रत की ओर चलेंगे इन दिस वे इसी प्रकार ठीक है द एक्सेस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइन परमानेंटली इन द सेम पोजिशन इसी प्रकार जो एक्सेस होगा पृथ्वी का जो अक्ष होगा हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है ठीक है द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी का परिक्रमण है एंड द इंक्लेनेशन ऑफ द अर्थ एक्सीज और जो पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है वो निश्चित दिशा में झुके होने के कारण इन अ फिक्स डायरेक्शन कॉज सीजन और इस निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है मीन कि जो पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है ऑल राइट नाउ नाव क्वेश्चन आंसर वेन वी विल स्टार्ट अवर राइटिंग वर्क देन यू विल राइट क्वेश्चन आंसर इन यूर नोट बुक दिस टाइम आई विल करेक्ट यूर आंसर्स टेक द करेक्ट आंसर ओके सेकेंड क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज अभी हमने चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स तो आप इजिली इन सब का आंसर देंगे एंड आई नो यू ऑल हैव दिस आंसर्स ओके बट आई विल टेल यू यूर आंसर फर्स्ट वन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन के के रोटेशन कहा जाता है सो द आंसर इज रिवॉल्यूशन सेकेंड ओके नाउ डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन विशुवत पर जब सूर्य की सीधी किरण पड़ती है okay. तो सीधी दिन पड़ती ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी टू ऑफ दिसंबर, यस, ट्वेंटी वन ऑफ मार्च ओके नाउ सी क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन क्रिसमस गर्मियों में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है अभी हमने पढ़ा था येस द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है गर्मियों में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में कब किया जाता है येस yes, दिसंबर में किया जाता है ट्वेंटी फाइव ऑफ दिसंबर नाउ डी साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू अभी हमने पढ़ा था कि जो सीजन का साइकिल है मीन्स की जो ऋतु परिवर्तन है वो किसकी वजह से होता है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है ओके रोटेशन रिवॉल्यूशन एंड ग्रेविटेशन द आंसर इज़ रिवॉल्यूशन ओके रोटेशन के कारण तो क्या होता है डेज एंड नाइट होता है रिवॉल्यूशन के कारण चेंजेस ऑफ सीजन ओके ऑलराइट नाउ थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ओके अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है अलीप एयर हैज थ्री सिक्सटी सिक्स नंबर ऑफ डेज हर चौथे साल लीप वर्ष आता है ना वो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स चौथे साल में जब ट्वेंटी फोर आवर्स कंप्लीट होते हैं तो वन डे इंक्रीज हो जाता है तो उसको फेबररी में ऐड किया जाता है तो वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है क्योंकि उसमें थ्री सिक्सटी फ्लाई फाइव प्लस वन डे इंक्लूड हो जाता है जिसकी वजह से थ्री सिक्सटी सिक्स नंबर ऑफ डेज होते हैं सेकेंड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज पृथ्वी की रोज की गति दैनिक गति को क्या कहा जाता है रोटेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स राइट डाउन हेयर रोटेशन आर ओ टी ए टी आई ओ एन रोटेशन मीन्स घूर्णन ओके नाउ थर्ड द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स ठीक है जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है ओके द सन रेस फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन फर्स्ट जून यानी ट्वेंटी वन जून को सूर्य की किरणें सीधे कहां पर पड़ती हैं कर्क रेखा पर पड़ती हैं नंबर ई डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन दिन कब छोटे होते हैं और रातें कब लंबी होती है ऑफ yes, ऑफकोर्स ये तो आप सभी को मालूम है कि विंटर सीजन में सर्दियों में दिन क्या होते हैं छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं लंबी होती हैं और इसी के अपोजिट समर सीजन में क्या होता है रातें छोटी होती हैं और दिन क्या हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं और राइट ओके स्टूडेंट नाउ दिस चैप्टर इज फिनिस्ड ओके एंड हेयर इज वन एक्टिविटी थिंग्स टू डू ओके थिंग्स टू डू चलिए करके देखते हैं क्या करना है इस एक्टिविटी में आई विल टेल यू लिसन केयरफुली वन मेक अ ड्राइंग टू सो द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ यानी कि मींस मीन्स ओके तो आपको एक ड्राइंग बनानी है जिसमें पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव दर्शाया गया हो ओके मीन्स कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए सेकेंड कॉन द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट योर प्लेस टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर लोकल न्यूज़पेपर्स ऑन द ट्वेंटी ऑफ ईच मंथ एंड आंसर द फॉलोइंग अब आपको क्या करना है प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों को स्थानीय लोकल न्यूज़पेपर्स स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने तो आप ये एक्टिविटी को ध्यान रखिए और डेट को आप ये सब एक्टिविटी करेंगे ओके फर्स्ट वन इन विच मंथ आर द डेज द शॉर्टेस्ट किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं ओके एंड द सेकंड इन विच मंथ्स आर द डेज एंड द नाइट्स नियरली इक्वल कि किन महीने में दिन और रात डेज एंड नाइट किन महीने में दिन और रात क्या होते हैं लगभग बराबर होते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ हेयर इज अ फॉर फन यू रीड एंड डू दिस activity and this chapter is closed. Now I will be back tomorrow. Tell then read revise your work and take care students. Bye bye.